जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार एसटी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है रीतिकाल। दोस्तों, इससे पहले हम करा चुके हैं भक्तिकाल और आदिकाल करा चुके हैं, आज हम बात करते हैं रीतिकाल की। दोस्तों, रीतिकाल और इसे दोस्तों उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसकी समय सीमा क्या रही है। समय सीमा की इसकी बात करते हैं दोस्तों, क्या है उत्तर मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1700 ईस्वी से 1900 तक हमारा क्या चला, उत्तर मध्यकाल। कहने का मतलब रीतिकाल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं इसमें मध्यकाल की। तो मध्यकाल दोस्तों क्या है, मध्यकाल को मुख्यता, दोस्तों मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल को मुख्यता दोस्तों दो भागों में बांटा गया था। ये हमने कल बताया था, भक्तिकाल और दोस्तों क्या है रीतिकाल। भक्तिकाल और रीतिकाल कितने दो भागों में बांटा गया, इतनी बात क्लियर हो गई। आज दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, रीतिकाल की बात करेंगे। तो रीतिकाल दोस्तों क्या है, रीतिकाल को हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। दोस्तों रीतिकाल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। किसे, रीतिकाल को कहा जाता है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसे रीतिकाव्य, इसे रीतिकाव्य दोस्तों क्या, रीतिकाव्य, श्रृंगार काल आदि नामों से जाना जाता है। भाई दोस्तों आगे हम पूरी जानकारी आपको देंगे, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कोई इसमें छूटेगा नहीं, जो परीक्षा में आएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। दोस्तों रीतिकाल के क्या थे, अधिकांश कवि जो थे वह ना किसी के दरबारी थे, इतनी बात क्लियर हो गई, दरबार से रिलेटेड थे। अर्थात ज्यादातर कवि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ज्यादातर कवि राजाओं के दरबार में थे। दोस्तों इसमें क्या था, रीतिकाल में अधिक से अधिक जितने कवि थे वे राजाओं के दरबार में रहते थे, कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा में। दोस्तों क्या है, रीतिकाल के प्रमुख नाम। तो रीतिकाल के प्रमुख नामों की, उपनामों की अगर बात करते हैं, उपनाम इसके क्या है और रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों पहले जान लेते हैं उत्तर, क्या दोस्तों उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल दोस्तों किसने कहा है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे उत्तर मध्यकाल कहा है। किसे, रीतिकाल को। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बात करते हैं अलंकृत, क्या दोस्तों अलंकृत काल की बात करते हैं तो किसने कहा है, मिश्रबंधु ने। इतनी बात क्लियर हो गई। श्रृंगार, क्या दोस्तों श्रृंगार काल की बात करते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। किसे, रीतिकाल को। और रीत काव्य की बात करते हैं दोस्तों, रीत काव्य किसने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीत काव्य किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीत काव्य कहा है। और बात करते हैं रीतिकाल किसने कहा है, दोस्तों रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। आगे बात करते हैं कला, कलाकाल किसे कहा है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, दोस्तों किसने कहा है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इसे क्या कहा था, कलाकाल कहा था। अंधकार काल किसने कहा था रीतिकाल को, दोस्तों त्रिलोचन जो थे, त्रिलोचन उन्होंने क्या कहा था, इसे अंधकार काल कहा था। इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं रीतिकाल को मुख्यता, दोस्तों यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल को मुख्यता की अगर बात की जाए तो रीतिकाल को मुख्यता तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में, तीन। इतनी बात क्लियर हो गई। वह तीन भाग दोस्तों कौन कौन से हैं, यह जान लेते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों क्या है, रीति, रीतिबद्ध काल। दूसरा रीति सिद्ध काल। तीसरा रीति मुक्त काल। इन्हें दोस्तों तीन भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कितने भागों में रीतिकाल को बांटा गया, तीन भागों में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब रीतिबद्ध काल की, रीतिबद्ध की बात करते हैं, किसकी, रीतिबद्ध की। तो इसमें दोस्तों क्या है, मुख्य प्रवृत्ति का काव्यांग, काव्यांग निरूपण है। किसमें दोस्तों, रीतिबद्ध में, क्या दोस्तों प्रमुख प्रवृत्ति, प्रमुख प्रवृत्ति काव्यांग निरूपण है। किसमें, रीतिबद्ध में। तो दोस्तों रीतिबद्ध के अगर कवियों की बात करते हैं तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कवि व उनकी रचना है, प्रमुख कवि और उनकी रचना, जैसे पद्माकर और दोस्तों इनकी क्या है, जग विनोद, ये कौन है, जग विनोद, मतिराम, क्या दोस्तों और कौन है, मतिराम। तो मतिराम की क्या है, ललित, ललित लालाम, ये किसकी हो जाती है, मतिराम। आगे बात करते हैं केशवदास, तो दोस्तों केशवदास की बहुत प्रसिद्ध है रामचंद्रिका, ये किसकी है, केशवदास की। अधिकतर दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या लगाते हैं, तुलसीदास लगा देते हैं रामचंद्रिका के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रीत मुक्त काल,
रीत मुक्त की बात करेंगे तो रीत मुक्त की बात करते हैं। इस वर्ग में कवियों कवियों ने काव्य निरूपण के स्थान पर क्या दोस्तों स्वच्छंद रूप से रचनाएं की हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके कवि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जान लेते हैं। इसके दोस्तों प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन है? बोधा। बोधा की अगर बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाएगी? इश्कनामा, विरह, वारिस, ये किसकी हो जाएगी? बोधा की। आलम की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाती है? आलम केली। आलम केली इनकी रचना है, किसकी हो जाती है? आलम की। ठाकुर की बात करते हैं तो ठाकुर ठसक हो जाती है। ठाकुर ठसक किसकी हो जाती है? ठाकुर की। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं रीत सिद्ध कौन कौन है रीत सिद्ध से रिलेटेड। दोस्तों रीत सिद्ध के कवियों की बात करते हैं मुख्य क्या दोस्तों प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं हैं। तो रीत सिद्ध के कौन हो जाते हैं? घनानंद हो जाते हैं। तो घनानंद की रचनाएं क्या हो जाती है? प्रतिपावास, पावस हो जाती है। और बिहारी लाल जी, बिहारी लाल की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई। ये दोस्तों रीत सिद्ध के ही कवि थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं इस काल के अन्य प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं की। दोस्तों अन्य कौन हो जाते हैं? जैसे दोस्तों भूषण, तो भूषण की क्या हो जाएगी? शिवराज भूषण, शिवावाबनी और छत्रसाल दशक। चिंतामणि की बात करते हैं तो अंग दर्पण, ये किसी होती चिंतामणि की। रसलीन की बात करते हैं रसविलास, काव्य प्रकाश, ये किसकी बात थी? रसलीन की। अब दोस्तों इनके कुछ प्रश्न जान लेते हैं, उसके बाद में और जो भी दोस्तों रीत काल की रचना है सब आपको कराएंगे, जितनी भी है महत्वपूर्ण अधिक से अधिक कराएंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रश्न जान लेते हैं, प्रश्न उत्तर। रीतकाल के प्रवर्तक, दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा रीतकाल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं रीतकाल की प्रथम रचना कौन सी है? दोस्तों रीतकाल की प्रथम रचना कौन सी हो जाती है? हिम तरंगिणी हो जाती है। दोस्तों रीतकाल की अंतिम कवि, रीतकाल की अंतिम कवि की बात करते हैं तो रसरंग ग्वाल द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रीतकाल की प्रथम रचना। दोस्तों ये बता चुके हैं हिम तरंगणी कृपाराम की है। दोस्तों रीतकाल की अंतिम कवि कौन है? अंतिम कवि की बात करते हैं तो सरंग ग्वाल द्वारा रचित। दोस्तों ये क्या है? अंतिम कवि है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं केशव दास जी को कठिन। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है रीतकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यहाँ से क्या, रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो भी रचनाएं हैं और जो भी कवि है वो अब हम आपको कराएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, पहले हमारे कौन रहते हैं? चिंतामणि। तो चिंतामणि की दोस्तों रचनाओं की बात करते हैं, कवि कुल, एक कवि कुल हो जाती है। और दोस्तों क्या, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार, दोस्तों श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। यहाँ पे ये दोस्तों श्रृंगार जो है ये शुद्ध लिखा, शुद्ध श्रृंगार दोस्तों कैसे लिखा जाता है? ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में ये जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसकी शुद्ध वर्तनी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मतिराम। तो मतिराम की दोस्तों क्या हो जाती है? रसराज, ललित, ललित ललाम, ये किसकी होती है? मतिराम की। अलंकार, दोस्तों अलंकार पंचाशिका हो जाती है। व्रत कोमुंदी, ये किसकी हो जाती है? ये भी मतिराम की हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, राजा जसवंत, दोस्तों राजा जसवंत की अगर रचनाओं की बात करते हैं, भाषा भूषण सिंह, ये किसकी हो जाती है? राजा जसवंत सिंह की। बात करते हैं भिखारी दास, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है भिखारी दास, इनकी दोस्तों क्या हो जाए? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये किसकी हो जाती है दोस्तों? भिखारी दास की हो जाती है। याकूब खां की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो रसभूषण, ये किसकी है? याकूब खां की। रसिक सुमित की अगर बात करें तो अलंकार, दोस्तों चंद्रोदय, ये किसकी हो जाती है? रसिक सुमित की। दूल्हे, दोस्तों क्या, दूल्हे की अगर बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है? कविकुल दोस्तों कंठाभरण, ये किसकी हो जाती है? दूल्हे की। आगे बात करेंगे देव की, दोस्तों देव की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी बहुत ही रचना है, शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, ठीक है दोस्तों, भवानी विलास,
सुजान विनोदी है, किसकी हो जाती है, देव की। अब बात करते हैं कुलपति मिश्र की रचनाएं, तो कुलपति मिश्र की रचनाएं क्या हो जाती है, सुख सागर तरंग रस रहस्य, ये किसकी हो जाती है, कुलपति मिश्र की। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सुखदेव की, सुखदेव मिश्र की रचनाओं की बात करते हैं, तो रसावर्ण ये किसकी हो जाती है, ये दोस्तों हो जाती है रसावर्ण, ये हो जाती है सुखदेव मिश्र की। रसलीन, रसलीन की रचनाओं की बात करते हैं, रस प्रबोध ये किसकी हो जाती है, रसलीन की है दोस्तों। क्या दोस्तों, दलपति राय, दलपति राय की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या कहते हैं, अलंकार, अलंकार लकार, ये किसकी हो जाती है दोस्तों, दलपति राय की। आगे बात करते हैं 13 नंबर पे माखन, तो इनके दोस्तों क्या है, छंद विलास है, क्या है, छंद विलास, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बिहारी की, तो बिहारी की दोस्तों कौन सी हो जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध एक ही है दोस्तों, बिहारी सतसई। रस निधि की अगर बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, रतन हजारा, रतन हजारा किसकी रचना है, रस निधि की, रतन हजारा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं घनानंद, तो दोस्तों घनानंद ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, इनकी दोस्तों अधिक से अधिक रचनाएं बूझी जाती हैं। तो दोस्तों सुजान, क्या सुजान हित प्रबंध और वियोग बेली, ये किसकी हो जाती है, घनानंद की। इश्कलता, ये भी घनानंद की हो जाती है। प्रीति पावश और पदावली, ये किसकी हो जाती है, घनानंद जी की। अब बात करेंगे आलम की, तो आलम की, आलम के क्या दोस्तों, आलम के लिए ये हो जाती है, आलम के लिए ये किसकी हो जाती है, आलम की। आगे बढ़ेंगे ठाकुर की बात करते हैं, तो ठाकुर ठसक हो जाती है इनकी। बोधा की रचना की अगर हम बात करेंगे तो बिरह बारिश, बिरह बारिश इश्कनामा, ये किसकी, बोधा की हो जाती है। द्विजदेव, द्विजदेव की अगर बात करते हैं, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा और दोस्तों श्रृंगार लतिका, ये तीनों किसकी हो जाती है, द्विजदेव की हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लाल कवि की, तो लाल कवि की रचनाओं की बात करते हैं, छत्र प्रकाश प्रबंध ये इनका हो जाता है। बात करते हैं पद्माकर भट्ट, इनकी अगर बात करते हैं तो दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर हो जाती है। बिरुदावली प्रबंध, ये किसके हो जाते हैं दोस्तों, पद्माकर के हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे सूदन, सूदन की अगर बात करते हैं, सूदन की रचनाएं, तो सुजान चरित्र प्रबंध है ये इनका, किसका, सूदन का। खुमान की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मण शतक, ये किसका हो जाता है, खुमान का। जोधराज की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं क्या हो जाती है, हमीर रासो जोधराज की हो जाती है। भूषण की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण, शिवा वाबनी, छत्रसाल दशक, यही दोस्तों रचनाएं इनकी बूझी जाती है अधिकतर। ब्रंद, ब्रंद की बात करते हैं तो ब्रंद सतसई हो जाती है इनकी। आगे बढ़ेंगे राम, राम सहाय, राम सहाय की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, राम सतसई दास हो जाती है। दीनदयाल गिरी की अगर हम बात करते हैं, किसकी, दीनदयाल गिरी की रचना, तो दोस्तों क्या हो जाती है, अनंत, क्या दोस्तों, अनुयुक्ति, अनुयुक्ति, अनुयुक्ति कल्प द्रुम, अनुयुक्ति कल्प द्रुम किसकी हो जाती है, दीनदयाल गिरी की। आगे बात करते हैं 30 नंबर गिरिधर, तो गिरिधर जी की दोस्तों कौन सी हो जाती है, स्फुट छंद, स्फुट छंद इनकी हो जाती है। कबीराय ये भी दोस्तों इन्हीं की हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो दोस्तों सुनीति, सुनीत प्रकाश इन्हीं की हो जाती है। सर्व सोलह प्रकाश ये भी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की हो जाती है। चंडी चरित्र ये भी दोस्तों किसकी हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह की हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जिस व्यक्ति को अगर क्लास अच्छा लगा है वह कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए, और इसी के साथ दोस्तों हम कल आएंगे आपके साथ नए टॉपिक लेकर, और दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमेशा, ठीक है दोस्तों। ये क्लास रोज शाम 8 बजे होती है, सभी दोस्तों को इस क्लास को नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।